मदे यार दोस्तों, दिन 16 हुआ और दिनांक है 18 दिसंबर 2021 और हम बहुती से निकले हैं बोरखेड़ी की तरफ। अब मोरकट्टा आने वाला है, लेकिन कल का आश्रम आपने देखा होगा, थोड़ा सा छोटा है और नहीं है ज़्यादा सुविधा। तो एक परिवार है वहाँ पे, सेवा दे रहा है, सदाव्रत देता है, उनको बनाना पड़ता है और सेवा भी बहुत बड़ी माननी पड़ेगी क्योंकि 35 लोग थे कल, तो उस हिसाब से उन्होंने सब कुछ दिया था। देखिए, और आज हमारे साथ बाबा जी चल रहे हैं, एक यहाँ पे है, उनको भी दिखाएंगे, लेकिन आप रास्ता देख लीजिए, शूलपाणेश्वर शुरू हो गया है। नर्मदे हर, शूलपाणेश्वर देखिए, पहाड़ शुरू हो गए और ये बाबा जी चल रहे हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, पैठण क्षेत्र से, पैठण तीर्थ क्षेत्र है, ये भी चल रहे हैं। नर्मदे हर बोलिए एक बार, नर्मदे हर। रास्ता देखिए, अभी ये रोड बोरखेड़ी तक रोड रहेगा, फिर बाद में बोरखेड़ी से असली शूलपाणेश्वर मतलब पहाड़ों की राज्य चलेगा वहाँ से, है ना। यहाँ भी पहाड़ है, लेकिन अभी पहाड़ पे रास्ता ज़्यादा है नहीं, नीचे नीचे से पक्का रोड बनाया गया है, एमपी सरकार का काम है ये, और डायरेक्शंस वगैरह सब कुछ बोर्ड गांव के सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत अच्छा काम है गवर्नमेंट का, है ना। चलिए फिर मिलते हैं शूलपाणेश्वर में और कहीं और दूसरे गांव में। नर्मदे हर, देखिए बहुत बड़ी है, झरना है वैसे तो, नदी है, इधर से आई है, इधर गई है मैया में मिलने, मैया से मोटी है वर्गा पानी आले और खूब मोटे लगना रही, पानी है थोड़ा थोड़ा, इसमें झरना सा चला हुआ है, खेत हरे भरे, धान लगाया हुआ है इन लोगों ने। अभी ये छोटे छोटे दिख रहे पहाड़, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं, ये तो अभी छोटे छोटे है। और मैया लगभग 2-3 किलोमीटर दूर गई है यहाँ से, अब और भी जाएगी जैसे जैसे हम पहाड़ पर जाएंगे, फिर लखनगिरी बाबा पे हमको मैया मिलेंगी, बैकवाटर मिलेगा, लेकिन पानी मैया का ही होगा, तो वहीं पे स्नान हो पाएगा मैया में, तो तब तक के लिए नर्मदे हर। मोरकट्टा आ गया है, बोरखेड़ी यहाँ से 9 किलोमीटर तक है, 8 4 अरे 4 मोरकट्टा, देखिए छोटे छोटे घर। पूरा रोड का रास्ता है, बोरखेड़ी जाके देखते हैं क्या हालत है रास्तों की। नर्मदे यार दोस्तों, मोरकट्टा से 1 किलोमीटर दूर ये ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है छोटी सी, उस पर एक आश्रम है, यहाँ पे परिक्रमा वहाँ से रुके। नर्मदे यार, नर्मदे यार, नर्मदे यार, यहाँ पे रुके हैं, रुक सकते हैं, एक साधु महात्मा कुटी बना के रह रहे, और इसके जस्ट उस साइड अभी आपको दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे, यहाँ पे मैया दिख रही है आपको, वहीं पे मैया का वाटर है, मैया जस्ट हमारे साइड में ही है, आज के दर्शन हो गए, अब आगे जाते देखते भैया दिखेंगे तो। ये देखिए पहाड़ी, इधर ऊपर झंडा लगाया हुआ है, और ये लोग भी बहुत 1 किलोमीटर से चलते आ रहे हैं हमारे साथ,
इतने सारे। देखिए मैया दिख रही है, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज के मैया के दर्शन, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अरे फूल खा गई तो। अब यहाँ से हमको फिर चलना है, अब हम बोरखेड़ी की तरफ जा रहे हैं। मोरकट्टा तो चला गया पीछे, अब बोरखेड़ी। यहाँ जंगल का ही रास्ता लग रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे अब पूरा जंगल आ गया है। इस साइड भी जंगल, और वहाँ बीच में से रोड। जाने को इतना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप परिक्रमा में आएंगे तभी आपको पता लगेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। और जब मन होता है अच्छा, तब सब कुछ अच्छा होने लगता है। मन से हारना नहीं पड़ता है कहीं। कभी कभी आपने हॉस्पिटल में भी चमत्कार देखे होंगे, पूरी गई गुजरी कंडीशन होती है पेशेंट की, लेकिन एक बार में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रिकवर होने लगता है। वो मन की वजह से होता है वैसे। जब हार जाता है ना तब ऐसा होता है, जब उसको ज़िंदगी की आस लग जाती है फिर से, तो फिर से रिकवर होने लगता है। तो मन चंगा रखना चाहिए। यहाँ पे ग्रामीण लकड़ियाँ तोड़ रहे, अब रोड से हमारा चढ़ना शुरू हो गया है। रोड अब ऊपर ऊपर जा रहा है, अब हमको भी दम लग रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। अब दोनों साइड से जंगल आ गए, रोड का भी रास्ता जंगल से ही है। धीरे 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 जाना पड़ेगा रोड से। अभी फिलहाल रोड ठीक है, इस वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन आगे और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। चलिए देखते हैं, मैया है साथ में, क्या होता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए यहाँ पे अब बीच में आ गए। निमाड़ का मुंह का लड्डू होता है वो आपको भी चखा देखिए। क्या सीन होगा यहाँ पे। पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है, पूजा भी की गई है, ग्राम देवता बिठाए गए। हमारे साथ में बहुत सारे परिक्रमावासी जुड़ गए हैं नेमाड़ के। नेमाड़ धार जिला अलवेला हनुमान मंदिर गुलजरा। हाँ, से आपको जी ही है महेश्वर से पहले। हाँ जी, मतलब आपके गांव से ही निकलेंगे हम। गांव से, और भैया मैं आपको बोलने वाला था, आप रोड पे चलो, रोड पे नीचे मत। असली शूलपाणेश्वर शुरू हो गया है। अब हम चढ़ के आए, अब उतर रहे हैं। बाबा जी कैसा लग रहा है, आनंद आ रहा? आनंद ही आनंद है मैया के दर पे, आनंद ही आनंद है। देखिए इनकी टोपी बहुत फेमस है भाई, टोपी से बहुत। नर्मदे नर्मदे यार नर्मदे यार। ऐसे रास्तों का मजा सिर्फ वही ले सकता है जो परिक्रमा में आएगा, नहीं तो और कोई नहीं ले सकता। एक नदी आई है, नदी क्या बैकवाटर लग रहा है मैया का। हाँ बैकवाटर ही है मैया का।
कम है। देखिए बैक वाटर, मैया का बैक वाटर, बैक वाटर तो असल नहीं। ये बोरखेड़ी का रास्ता है सारा। मैया इधर से गई है, सामने से उस पार से सीधा गई है। वैसे बैकवाटर है, मैया की ओरिजिनल धार नहीं है ये बैकवाटर। अभी बैकवाटर में घुसते जा रहे हैं हम। बैकवाटर थोड़ा गंदा होता है ना, और जो ओरिजिनल मैया है पूरा साफ है वो। देखिए अब आ गए हम सूरज भगवान की छाया में। यहाँ पे एक छोटा सा झरा गया है, इस वजह से बनाया गया है ये। अब हम इधर से जाएंगे इस रास्ते से, फिर उधर को हो लेंगे। हैं? हाँ टर्न बहुत बड़ा है, टर्न वो भी छोटा मोटा भी टर्न नहीं है। सूरज भगवान देखिए धुंध के पीछे छुपे हुए। आज इस बार तो पानी बहुत कम है सारी तरफ, सारी नदियों में, और बैक वाटर भी कम है। देखिए यहाँ तक आता है पूरा पानी। और ये खेती यहाँ पे बना दी है मैया के रास्ते में ही, लेकिन उन्होंने फिर पानी आने के बाद में उड़ जाती है वो खेती। देखिए शूल पानी के पहाड़ अब शुरू हो गए हैं, एक के पीछे पीछे पीछे। यहाँ से हम फिर से घूम रहे, नर्मदे हर नर्मदे हर। शूल पानी क्षेत्र, मैया का हृदय शूल पानी। अब हम घूम गए हैं